एकेकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थक राहिलेले नवज्योत सिंग सिद्धू सध्या मोदींविरोधात तोफ डागत आहेत. 2019 लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी नरेंद्र मोदींवर नेमकं काय काय टीका केल्या आहेत ते आपण पाहूयात. मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए बोलता हूं क्योंकि आने वाली पीढ़ियां ये ना कहें कि जब देश बर्बाद हो रहा था सिद्धू तमाशा देख रहा था. सिद्धू तमाशा नहीं देख रहा था, मोदी साहब तुम्हारे पोतड़े खोल के जाऊंगा आज. ये जो तुम ड्रामा करते हो, ये जो तुम बेवकूफ बनाते हो लोगों का, और अब तुम मुद्दों से भाग रहे हो. नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो बताओ तुमने अंबानी को 30,000 करोड़ की घूस खिलाई कि नहीं खिलाई? राफेल खिलाई खिलाई कि नहीं खिलाई? जवाब दो. मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं, दुकान पे आ जाता हूं, सड़क पे आ जाता हूं, आओ मेरे साथ बहस कर लो और मुझे बताओ कि 33,000 करोड़ रुपए अंबानी ने राफेल डील में खाए कि नहीं खाए. यदि मैं हार गया तो मैं राजनीति सदा के लिए छोड़ दूंगा प्रधानमंत्री साहब. तुमने कहा था 90,00,000 करोड़ रुपया जो विदेशों में छुपा के रखा है बड़े बड़े करोड़पतियों ने, उनसे छीन के गरीब की झोली में 15,00,000 डालूंगा. तुमने कहा था 364 संकल्प करता है नरेंद्र मोदी, 364 संकल्प, उसमें लोकपाल, उसमें किसान का इनकम दुगना, उसमें 20-20 लाख, उसमें हर तरह का सुविधा गरीब को दूंगा. तुमने बोला था तो मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू मिला. ताली ठोको. झूठ की बुनियाद पे खड़े हो तुम नरेंद्र भाई मोदी, और फिर कहते हो अब की बार मोदी सरकार. अरे मैं कहता हूं जब कोई बोले अब की बार, तुम कहना भस्कर यार. ठोको ठोको ताली ठोको. बांट रहे हो तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे. नरेंद्र मोदी सिद्धू ललकारता है तुम्हें और कहता है न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान.